हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाले सर में। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता कि साल 2018 खत्म हो चुका है और 2019 की कल हमने शुरुआत कर दी है 1 जनवरी को। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले साल 2018 में सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन उनको उनके मेहनत के अनुसार उनका रिजल्ट नहीं मिला और उनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो रोल आता है किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने में, वो आता है कि हमारे पास सही बुक्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास हथियार ही अच्छे नहीं होंगे चलाने के लिए, तो हम कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग जीत नहीं सकते। तो हमें पता होना चाहिए ऐसी कौन कौन सी बुक्स है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन सी ऐसी बुक्स है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको जो मैं बुक्स बताने वाला हूं वो आपके लगभग हर एग्जाम को कवर कर लेगी और ये बुक्स हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, जीके के बारे में और हमारी इंग्लिश के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मैं सभी जो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि विद्यार्थी के लिए वो सारी आपको मैं यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूँ। ओके, तो माय नेम इज विक्रम और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो 2019 में आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, तो ये है रामबाण बुक्स, जो कि हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जिसके द्वारा किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैथ के लिए, कि आपके पास मैथ के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। देखिए, आपको जो मैं बुक्स बताऊंगा, मैं ये नहीं बोलता कि आपको वो सारी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, आपको उनमें से एक बुक चूज करनी है जो आपको अच्छा लगे और सारी की सारी बराबर है। आपको मैं कुछ हिंट दे दूंगा भी हाँ, इस बुक में ये क्वालिटीज है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम होना है, सीपीयू का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का एग्जाम होना है और बाकी सारे एग्जाम में होने वाले हैं। तो आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट बुक चल रही है मैथ को लेकर, वो है राकेश यादव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको उनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के कंपटीशन का टाइम है और हर क्वेश्चन हमें कम से कम टाइम में सोल्व करना होता है। तो उसके लिए जो पहली बुक मेरे अकॉर्डिंग जो आती है वो आती है जो क्लास नोट्स है राकेश यादव जी के, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर आज का तो ऑनलाइन जमाना है, आपको जस्ट एक क्लिक करना होता है, बुक आपके घर पर आ जाती है ऑर्डर करने से। ठीक है, तो ये जो बुक है क्लास नोट्स ऑफ मैथ के राकेश यादव की, इसे आप परचेज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है, लगभग 214 रुपए की बुक है। ठीक है, और जितनी आपको मैं बुक्स बताऊंगा, अगर आप डायरेक्ट उनके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक कर आप जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उस बुक को वहीं से ही ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बुक आते हैं इनके बाद जो आज तक एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 तक, उन सभी को राकेश यादव के बुक्स में कंपाइल कर दिया है और साथ में अगर आपको कोई पर्सन नहीं आता है तो वीडियोस के माध्यम से उन्हें समझाया गया है। इसके लिए आपको इस पर एक कोड मिलेगा, बार कोड, QR कोड, उसे आप स्कैन करना है उनकी ऐप से। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप डायरेक्ट किसी भी टीचर की आपको हेल्प नहीं लेनी, आप उसी टाइम उस QR कोड को स्कैन कर उस सवाल का सोल्यूशन देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये दूसरी बुक है। तीसरी बुक की बात करते हैं अर्थमेटिक। अगर आपको पहले अर्थमेटिक समझना, अगर आपको एडवांस नहीं आता है, तो भी आप राकेश यादव की बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि टायर वन है टायर टू के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है और काफी अच्छी बुक है। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी लगभग 305 रुपए की, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लगभग ये 450 रुपए की मिलती है। अब ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कि वो हिंदी मीडियम में बुक थी और ये इंग्लिश मीडियम वाली है 7300, क्योंकि अभी 2018 में जो बुक आई है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आई है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाली जो उन्होंने कवर किया है वो 2017 तक कवर किया है, लेकिन इसमें ये इंग्लिश मीडियम है पर आपको 2018 तक इन्होंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, लगभग 9700 क्वेश्चन इसके अंदर है। अब ये एडवांस मैथ है, पहले थे अर्थमेटिक और ये एडवांस मैथ की बुक आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, या फिर ओनली आप जो 7300 वाली बुक है उसे फॉलो कर सकते हो, और जो क्लास नोट्स है वो दो बुक आपके लिए काफी है। अगर आपको एक्स्ट्रा और डीपली समझना है
तो आप ये बाकी बुक परचेज कर सकते हो, लेकिन वो दो बुक आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो किरण की भी बुक आप फॉलो कर सकते हो। इसका फायदा आपको बताता हूं कि अगर आप राकेश यादव वाली बुक फॉलो करते हो तो उसमें मान चलो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो उस टाइप के आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने पीछे जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। यानी आपको एक ही टाइप के 10 से 15 सवाल मिलेंगे जो पीछे पूछे जा चुके हैं, उससे आपकी रिवीजन काफी अच्छी हो जाएगी। और साथ में आपको इसमें एक स्क्रेच कार्ड भी मिलता है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो टेस्ट देकर। ठीक है, तो ये किरण की बुक है, लगभग 470 रुपए की है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगी या फिर डायरेक्ट आप यहां से घर बैठकर लैपटॉप या मोबाइल से इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश मीडियम में है और वो पहली वाली हिंदी मीडियम में थी, तो जिसका जैसा मीडियम है उस हिसाब से आप बुक को फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स मैथ की थी, जो आप उनमें से आपको मैंने जो जो बताई आप उसे फॉलो कर सकते हो, उसे परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएसएससी या बैंकिंग का। तो कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए जिसके आपके इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, हो जाए। तो सबसे पहली बात कि हमें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, हमारे पास टाइम कम होता है और हमें स्कोर ज्यादा करना होता है। अगर बात करूं मैं सीपीयू की तो उसमें 250 नंबर की इंग्लिश आती है, ऐसे अगर मैं बात करूं उनकी सीजीएल की तो उसमें अलग से 200 नंबर का पेपर होता है और 50 के प्री में आता है, तो लगभग 250-300 करीब आपके नंबर बनते हैं इंग्लिश के। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप इंग्लिश के जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसएससी में तो वो सारे 1997 से 2017 तक लगभग 11,300 क्वेश्चन है आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सुफिशियंट है, एनएफ है। ठीक है, ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरी बुक बात करते हैं ग्रामर की। अगर आपको ग्रामर समझनी है, इसके साथ आपको वोकैब स्ट्रोंग करनी है, तो आप नीतू सिंह की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट इसे आप फॉलो कर सकते हो, केडी पब्लिकेशन की। वैसे ये काफी अच्छी बुक है, इसमें आपको जितने भी इसमें इडियम फ्रेजेस वो कह मिले हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट है और वो आज तक एग्जाम में पूछे उनमें से मैक्सिमम पूछे गए हैं 95% के करीब। तो ये बुक काफी अच्छी है और ये इसका पार्ट 2 है प्लिंथ टू पैरामाउंट का। इसमें आगे एडवांस की बात की गई है कि कैसे ऐसे लिखना होता है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कशन की गई है। ये भी उसका इंग्लिश वॉल्यूम है, वो पहले वाला हिंदी में था, तो जिसका जैसा मीडियम है उस हिसाब से आप बुक को परचेज कर सकते हो। और ये इसका वॉल्यूम 2 है, ये सबसे बेस्ट बुक है वर्ल्ड पावर मेडिजी। अगर आपको आपके जो वोकैब है उसको इंक्रीज करना है एक स्मार्ट तरीके से कि आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सके, तो ये बिल्कुल छोटी सी बुक है, बिल्कुल हल्की सी बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसके द्वारा आप वोकैब को एक बोलते हैं ना रूट वर्ड, उसके द्वारा आप आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, चाहे बाकी बुक आपके पास ना भी हो। आप बात करते हैं कि जीएस और जीके के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि हमें पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न एग्जाम में चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम अपना जो थ्योरी वाला पार्ट है उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले अगर चाहो तो अरिहंट की बुक आती है जिसमें 18 साल के मतलब 2000 से लेकर 2017 तक सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हैं एसएससी टाइप के, आप इसे परचेज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है हर आंसर को, ये बुक भी काफी अच्छी है। इसके अलावा फिर वैसे ही जो हमारी किरण पब्लिकेशन है ये भी अलग से अपनी बुक निकालते हैं जिसमें उन्होंने 2018 तक उन्होंने कवर कर रखी है, लेकिन अरिहंत ने 2017 तक कवर किए हैं, इसमें भी वैसे ही टाइप है, आज तक जितने एग्जाम हुए हैं एसएससी के वो सारे उन्होंने इसमें कवर किए हैं, करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक जी की हो, साथ में उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। लूसेंट आप सभी ने इसका नाम जानते हो, ठीक है, अब इसका नया एडिशन भी आ चुका है 2017 में, पहले ये बिल्कुल पतली सी बुक आती थी, अब इसका थोड़ा एरिया थोड़ा वाइड हो चुका है और इसमें आपको टू द पॉइंट चीजें मिलती हैं। ये मतलब एक थ्योरी बन चुकी है, कंसेप्ट बन चुका है कि जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो हर बच्चे के पास जीके के लिए ये बुक होनी ही चाहिए,
ठीक है, मैं ये नहीं बोलता ये बुक एनफ है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ता जा रहा है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 4 से 5 बार आपको ये बुक कवर करनी होती है एग्जाम से पहले। ठीक है, ये काफी अच्छी बुक है, भरोसेमंद है और ये स्टार्टिंग से चली आ रही है और अब तक ये ट्रेंड में है। इसके अलावा जैसे आप वो थ्योरी वाला कंप्लीट करते हो लूसेंट में, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इनकी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग 10-12 हज़ार के करीब, तो इसे आप फॉलो कर सकते हो। पहले आपको ये वाली फॉलो करनी है, फिर आपको ये वाली फॉलो करनी है, और ये इसका नया एडिशन है अभी 2018 वाला, तो आप दोनों में से कोई परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आपको जो लेटेस्ट है वो ही परचेज करनी चाहिए। इन सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, पहले कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये वो बुक है जिसे मैं फॉलो करता हूं, मुझे सबसे बेस्ट जो बुक लगती है वो लगती है घटना चक्र। ठीक है, इनमें क्या कि एक क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे उसका आंसर और वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया, आपको बार बार पेज पलटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा पेज लास्ट में उत्तर देखो फिर दोबारा आ गया वो, बस यही क्वालिटी से बाकी किताबों से बेस्ट बनाती है मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ी महंगी है, लगभग 500 रुपये करीब है, लेकिन आपको हक मिलेगा अगर आप इस पर 500 रुपये भी पर खर्च करते हैं उसको परचेज करने में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसे परचेज मतलब यूज करता हूं। ओके, तो ये वो सारी थी बुक थी जो आपको यूज करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो उसके लिए कोई भी बुक, ये मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि आप पीछे जितने एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी या कोई बुक मिल जाएगी, सिर्फ आप उसे ही फॉलो कर लीजिए, कोई अलग से आपको बुक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो सारी बुक्स थी जो आपके पास होनी चाहिए या हर विद्यार्थी के पास 2019 में होनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप तैयारी तो करते हो पर आपके पास बुक्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको जितनी जो बेस्ट बुक है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाने की, इन सभी की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप और डिटेल इस बारे में देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि जो बाकी परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो बुक्स को सिलेक्ट करने में। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।